खंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल अखंड मंथन जैसा कि हम इस वेब सीरीज के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर धरती पर प्रलय कब और कैसे आया था तो आज के अंक में देखिए वो पांच कारण जो धरती के अंत का कारण बन सकते हैं तो दर्शकों पृथ्वी हमारे सौरमंडल का अब तक मात्र एक ऐसा ग्रह है जो जीवन से भरा है वैसे तो धरती की आज से साढ़े चार करोड़ वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई किंतु इसके जन्म का अभी तक कोई ठीक अनुमान नहीं लगा सका है वैसे तो पृथ्वी के अंत को लेकर कई सारी थ्योरी है किंतु तो आप सभी की मांग पर हम लाए हैं ऐसी पांच थ्योरी जो पृथ्वी के अंत का कारण बन सकती है तो सबसे पहला कारण हो सकता है पृथ्वी का किसी क्षुद्र ग्रह से टकरा जाना तो आइए पहले कारण पर विचार करते हैं पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये क्षुद्र ग्रह होता क्या है क्षुद्र तो ग्रह या एस्टोरायड एक ऐसे पत्थर हैं जो हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं जो हमारे सौरमंडल के ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं वैसे तो ये पूरे ब्रह्मांड में हैं, पर हमारे सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये बेल्ट में पाए जाते हैं जिसमें करोड़ों एस्ट्रॉयड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं ऐसा ही एक एस्टोरायड जो कि माना जा रहा था कि धरती से 2036 में टकराएगा और जो कि 300 मीटर चौड़ा है वैसे तो इसका आकार काफी छोटा है लेकिन अगर यह पृथ्वी से टकरा जाता है तो इतनी ऊर्जा पैदा होती है जो कि एटम बम से एक हजार गुना अधिक होगी और जो कि धरती पर जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान उसके समय को लेकर गलत निकला और वो दो में ही एस्ट्रॉयड पृथ्वी के पास बिना टकराए निकल गया वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी ऐसे बहुत से ऐसे, ऐसे एस्ट्रॉइड हैं जो पृथ्वी पर भविष्य में गिर सकते हैं इन्हीं में से एक एस्ट्रॉइड ऐसा है जिसका डायमीटर 20 से 80 किलोमीटर चौड़ा है यदि ऐसा एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराता है तो ये धरती पर पूरे जीवन को नष्ट कर सकता है अभी जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड घूम रहा है धरती के पास उसका व्यास पच्चीस किलोमीटर है अब आपको दूसरा कारण बताते हैं जिससे हो सकता है धरती का अंत तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ज्वालामुखी के फटने से भी धरती को भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि पहले भी ज्वालामुखी ने धरती को बड़ी हानि पहुंचाई है सन 1816 सो, में इंडोनेशिया में माउंट एम्बोरा ज्वालामुखी के फटने से भारी तबाही मची थी इस घटना में बानबे हजार लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे इसके फटने से इस ज्वालामुखी की लंबाई तेरह फुट से घटकर नौ फुट रह गई थी इसके फटने से आसमान से जहरीली गैसों के कारण वातावरण में तापमान कम हो गया जिससे फसलें नष्ट हो गईं। यह तबाही केवल एक सामान्य ज्वालामुखी यानी वोल्केनो के कारण हुई थी अब सोचिए यदि सामान्य ज्वालामुखी के स्थान पर एक सुपर वोल्कोनो फट जाए तो क्या होगा सुपर वोल्कोनो के फटने से भारी तबाही होगी जहां सामान्य वोल्कोनो में एक किलोमीटर का मैग्मा होता है वहीं सुपर वोल्कोनो में लगभग एक हजार किलोमीटर क्यूब का मैग्मा होता है मैग्मा पिघलते हुए पत्थर से बनता है जिसका तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यदि एक साथ कई सुपर वोल्कोनो फटते हैं तो आसमान में लंबे समय तक धुएं के काले बादल छा जाएंगे और सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाएंगी और इस कारण से भी धरती पर जीवन का अंत हो सकता है रात्रि में आसमान में टिम टिम चमकते तारे आपको बहुत सुंदर लगते होंगे लेकिन ये तारे भी धरती के अंत का कारण बन सकते हैं जब डो नष्ट हुए सितारे आसपास में मिलने लगते हैं तो वो गामा किरणों का सुपरनोवा बनाते हैं और जो कि इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है जो कि हमारी धरती को कुछ पलों में ही नष्ट कर सकती है हमारी धरती ही नहीं वो अपनी सीमा में आने वाली हर वस्तु को कुछ ही सेकेंड में नष्ट कर देती है वैसे ब्रह्मांड में ये प्रक्रिया होती रहती है पर यह प्रक्रिया धरती से बहुत दूर होती है इसीलिए हमारी धरती के सौर मंडल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन दो नष्ट होते हुए सितारों से इतनी गामा किरणें निकलती हैं कि इनकी ऊर्जा हमारे सूरज से लगभग एक करोड़ अरब गुना अधिक होती है यदि यह प्रक्रिया धरती से एक हजार प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो धरती पर इनकी रोशनी से एक पल में जल भून लोग राख हो जाएंगे और पृथ्वी पर जीवन के अंत के साथ साथ स्वयं पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी एक प्रकाश वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं अब आपको धरती के अंत का तीसरा कारण बताते हैं और वह है ब्रह्मांड का फटना तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है किंतु तो इसका विस्तार कब बंद होगा ये कोई नहीं जानता लेकिन यदि हम एक वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार देखें तो एक ऐसा समय आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना बंद हो जाएगा और गुरुत्व आकर्षण के कारण पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक छोटे से बिंदु में समा जाएगा और पृथ्वी के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा किंतु इस प्रक्रिया के होने में अभी बहुत लंबा समय लगेगा और जिसके समय का हम अंदाज भी नहीं लगा सकते और जब भी ये समय आएगा तो यह प्रक्रिया भी इतनी शीघ्रता से होगी कि इससे बचा नहीं जा सकेगा और ये संसार समाप्त होने के बाद एक नई दुनिया का आरंभ होगा ब्रह्मांड के बनने और इसके नष्ट होने की यह प्रक्रिया अनवरत काल तक चलती रहेगी अब आपको हीट डेट थ्योरी के बारे में बताते हैं जिसके कारण भी धरती पर जीवन समाप्त हो सकता है तो इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड कभी भी फैलना बंद नहीं होगा और ये इतना फैलता जाएगा कि सारे ग्रह सितारे सूर्य आकाश गंगाएं एक दूसरे से बहुत दूर चले जाए यदि ऐसा हुआ तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सितारों और सूरज के दूर जाने के कारण हमारी पृथ्वी को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा ब्रह्मांड फैले या सिकुड़े, दोनों ही तर्कों में पृथ्वी का अंत होना सुनिश्चित है वैसे सूर्य पर सदा से ही अलग अलग प्रकार के सौर विस्फोट होते रहे हैं इन्हीं में से एक सोलर विस्फोट का नाम है चुंबकीय विस्फोट इस विस्फोट के कारण एटॉमिक पार्टिकल्स धरती पर पहुंच जाते हैं और इस कारण से हमारी इंटरनेट व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है ये पृथ्वी की बिजली व्यवस्था को भी ठप कर सकते हैं विस्फोटों से निकले एटॉमिक पार्टिकल्स सूरज से चलकर धरती पर पहुंचते हैं और इनके धरती पर आने की गति चौंसठ लाख प्रति किलोमीटर प्रति घंटे होती है वैसे ये सोलर फ्लेयर सदा ही निकलते रहते हैं किंतु हमारी धरती का चुंबकीय क्षेत्र इन फ्लेयर से हमें बचाए रखता है लेकिन यदि कोई सोलर फ्लेयर अधिक शक्तिशाली हुआ तो यह भी पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि धरती पर सदा के लिए अंधेरा छा जाए और आप तो जानते हैं कि यदि धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा तो मनुष्य के जीवन का अंत होने में देर नहीं लगेगी वैसे आपको बताते चलें कि इन विस्फोटों से निकलने वाली हवाएं बहुत अधिक हानिकारक होती हैं और अब अंत में चलते चलते आपको बताते हैं कि यदि सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचना ही बंद हो जाए तो भी यह धरती के अंत का कारण बन सकता है लेकिन यह कैसे होगा इस पर चर्चा करते हैं एक लंबे शोध के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि पृथ्वी का अंत का कारण सूरज बनेगा कुछ वर्षों बाद सूरज फट जाएगा जिसके कारण पृथ्वी का पूरा ब्रह्मांड स्वाहा हो जाएगा एक अनुमान के अनुसार भविष्य में खरबों वर्षों में गैस का ज्वलनशील गोला खत्म होने वाला है जिसके कारण दुर्गामी परिवर्तन होने वाले हैं जो हमारे सौर मंडल को अंत की ओर ले जाएंगे वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सूर्य अभी अपनी जवानी के चरण पर है जिससे इसके मुख्य अनुक्रम के रूप में माना जाता है अब से लगभग पांच अरब वर्ष बाद सूरज ब्लास्ट हो जाएगा जिसके कारण पूरी धरती तबाह हो जाएगी खगोल वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि अपने वर्तमान चरण में इसे ऊर्जा विकीर्ण करने और तारे को अपने द्रव्यमान के नीचे गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त दबाव प्रदान करने की अनुमति देता है कहा जा रहा है कि सूर्य की आयु लगभग पांच अरब वर्ष पुरानी है और ये एक मध्यम आयु वर्ग का तारा है वर्तमान समय में सूर्य की आयु दस अरब वर्ष की आंकी जा रही है यदि सूरज फटता है तो पृथ्वी के साथ दूसरे ग्रह भी नष्ट हो जाएंगे क्योंकि सूर्य गर्मी उत्पन्न नहीं कर पाएगा और सूर्य में उपस्थित हाइड्रोजन कोर काम करना बंद कर देगा जिसके कारण सूरज गर्मी उत्पन्न नहीं कर पाएगा यही कारण होगा कि बुद्ध शुक्र जैसे ग्रहों को भी सूर्य निकल जाएगा वैज्ञानिकों के अनुसार जब सूरज का अंत होगा तब सूरज की आखिरी गर्मी से महासागर तक सूख जाएंगे गर्मी से इंसान भी नहीं बचेंगे वैज्ञानिकों ने इस तबाही से पहले सलाह दी है कि ऐसे ग्रह का पता लगाया जाना चाहिए जहां मनुष्य सुरक्षित हो सके और उन्हें इस तबाही से पहले उस ग्रह में बसाने की तैयारी की जाए ताकि मनुष्य सुरक्षित हो जाए तो दर्शकों आज के विशेष एपिसोड में बस इतना ही धरती पर प्ले के इस वैज्ञानिक वेब सीरीज के अगले एपिसोड में हम लाने जा रहे हैं एक और वैज्ञानिक अध्ययन तब तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अपना प्यारा चैनल अखंड मंथन आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे धन्यवाद